हेलो मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है उदिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मेरा नहाना धोना खाना पीना ये सब हो चुका है और आज सुबह सुबह से ही मेरा मन कर रहा है कि ड्राइंग करूं, क्योंकि बहुत दिनों से फेलियर ही झेल रहे हैं हम लोग और अब मेरा मन है कुछ ऊंचाइयों को हासिल करने का। जस्ट डू इट, मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, जस्ट तो हम लोग बिना किसी देरी के आज हम टीएम के उसी प्लेलिस्ट का ही एक बंदा बनाने जा रहे हैं। तो वो कैरेक्टर है चंपक लाल जयंती लाल गड़ा जी। हाँ, आज हम वही बनाएंगे। तो हम लोग बिना किसी देरी के चाचा जी को बनाना शुरू करते हैं। अच्छा लग रहा है क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो दिख रही है मुझे, क्योंकि पोपटलाल कंट्रोल पर चंपक चाचा, मुझे समझ आ रहा है कि ये चंपक चाचा है ना, लग तो रहा है ना। अरे कैमरे में तो टेढ़ा लग रहा है, ये ठीक बनाया मेरे को दिख रहा है, असली में ठीक ही लग रहा है, देखा मैंने। तो आज हम चंपक चाचा बना चुके हैं और अगली वीडियो में आपको किस तारक मेहता के कैरेक्टर को बनते हुए देखना है आप कमेंट कर सकते हैं और मैं जरूर उस कैरेक्टर को बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो गाइस, आज अचार डालने जा रहे हैं जो कि एक अलग विधि है और अलग ही अचार है। ये आम का अचार डालने जा रहा है आज, जो मेरी नानी बनाया करती थी और नानी अभी अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे अभी घर पे ही है वो। तो पंखा बंद करिए बेटा। ये सारा मसाला हमने प्लास्टिक के कंटेनर में डाल लिया है। प्लास्टिक का कंटेनर क्यों यूज कर रहे हैं? मेटल के साथ इसका रिएक्शन हो जाता है, अचार खराब होने का डर। ये क्या कच्चा तेल डालते हैं? हाँ, कच्चा तेल डलता है, पका के नहीं डालना। सब चीज अंदाजे से ऐसे कैसे बनाएंगे फिर? ऐसे हिसाब किताब क्वांटिटी भी बता देंगे। And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now, when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. प्रैंक करने वाले हैं। हमने ये सारे जितने भी घर में खराब सही सब मोबाइल यहाँ पे हमने सारे मोबाइल ऐसे सजा के रख दिए हैं जितने भी घर में थे, और इसमें से ये खराब है और ये खराब, इसमें से एक फोन हमने बताऊंगी। देखो इधर ये जो फोन है ना, ये वाला, ये कोविड फ्री फोन है क्योंकि मेरे हस्बैंड लास्ट लॉकडाउन में जब भी आते थे ना, जब भी इसको सैनिटाइज करते थे, और सैनिटाइज करने की वजह से ना इसका डिस्प्ले। तो भाई हम लोग साजिद भैया पे यही प्रैंक करने वाले हैं। हमने सारे मोबाइल लगा दिए और वो एकदम से आएंगे, देखते हैं साजिद का क्या रिएक्शन होगा। हाँ, वो एकदम से आएंगे तो हम लोग देखते हैं कि ये सारे मोबाइल्स को देखते हैं उनका क्या रिएक्शन रहता है, और उनका स्वागत है मेरे व्लॉग में। तो हम लोग प्रैंक कर रहे हैं आज सेकेंड बार। तो गाइज मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होने वाला है कि साजिद भैया यहाँ से आएंगे ऐसे। ओ भाई, इतने सारे फोन, मित्र।
फुल पैसे आ रहे आयुष यूट्यूब से, और वो आके यहाँ पे बैठ जाएंगे और सारे मोबाइल चला के देखेंगे, उनका पॉपर्ट हो जाएगा। यही मेरे अनुसार होने वाला है, पर देखते हैं आप साजिद भैया के आने के बाद क्या होता है। साजिद भैया के आने के बाद क्या होता है, आवाज थोड़ी कम आएगी। चल, हर बार तू मेरा पॉपर्ट नहीं कर सकता। साउथ में कहीं जॉब कर रहा है क्या? तो डिनर आ चुका है, और आज डिनर में बना है साग और रोटी, और भैया की प्लेट में है दही, और मेरी प्लेट में है आम रस, क्योंकि मैं दही नहीं खाती, पता नहीं क्यों। खाना शुरू करते हैं। तो डिनर हो चुका है, और अभी ये लाइट फ्लक्चुएट हो रही है थोड़ी, देखो कभी ये ग्रीन हो रही है, रेड हो रही है, येलो हो रही है, और ये वैसे फ़ोन से कंट्रोल होती है, बट अभी फ़ोन से हो नहीं पा रही है, ये कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग बस इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और एक छोटा सा कमेंट छोड़ जाया करो, मुझे अच्छा लगता है पढ़ने में, और थोड़ा मैं उस चीज़ को पढ़ के थोड़ा सीखती हूँ, गलती हो तो बता दिया करो। और ड्राइंग में तो मैं कर ही रही हूँ अभी हाथ साफ, और बस थैंक यू, बाय बाय।